ये कहानी एक ऐसे उद्यमी बालक के बारे में जिसका नाम था एलेक्स और वो अपने प्यारे से विलेज के अंदर रहा करता था अपने विलेजर दोस्तों के साथ। बट उसकी विलेज के अंदर बहुत सारे गलत सीन होते थे, मतलब कि ना रात में यहाँ पे बहुत बुरे बुरे ज़ॉम्बीज आते थे और यहाँ पे बहुत ज़्यादा तबाही मचाते थे और बहुत सारे विलेजर्स को मार देते थे। Nope. और ये सब कुछ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था और बहुत सारे ज़ॉम्बीज दिन ब दिन ज़्यादा हुए जा रहे थे और विलेजर्स उतने ही कम, मतलब कि ना यहाँ पे हर रोज बहुत सारे ज़ॉम्बीज अटैक करते थे उनके विलेज पे और यहाँ पे हर एक विलेजर को मारने की कोशिश करते थे और गाइस उनमें से कई विलेजर्स को रोज मारते थे। इस तरह ये विलेज धीरे धीरे खत्म हो रही थी और ये सब एलेक्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। फिर एलेक्स ने इसके बारे में काफी सारे विलेजर्स के साथ बात भी की बट वो सब के सब बहुत ज्यादा डरे हुए थे और कोई भी उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं था। और फिर एक रात एलेक्स ने सोचा कि आज वो सभी के सभी ज़ॉम्बीज़ की ऐसी की तैसी कर देगा। बट जैसे ही वहां पे रात हुई और उसने पूरा का पूरा आर्मर पहन लिया बट वो सभी के सभी ज़ॉम्बीज़ को देख के बहुत ज्यादा डर गया और वहां से भागने लग गया क्योंकि वो फट्टू विलेज के बीच में रहता था तो हाँ वो भी बहुत ज्यादा बड़ा वाला फट्टू था। तो भाई उसने बहुत ज्यादा कोशिश की लड़ने की बट वो नहीं लड़ पाया क्योंकि गाइस वो बहुत ज्यादा डरता था वो सभी के सभी ज़ॉम्बीज़ से, क्योंकि गाइस ज़ॉम्बीज़ बहुत ज़्यादा डरावने होते हैं। बट उसने बहुत ज़्यादा कोशिश की बट उसे छोटे छोटे ज़ॉम्बीज़ भी डरा रहे थे जो कि उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वैसे उसने लड़ने की बहुत कोशिश की बट वो नहीं लड़ पाया और वहाँ से बहुत दूर चला गया और उसे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उसे सोचा कि अब वो इस विलेज के अंदर तभी आएगा जब वो इस विलेज के लिए कुछ करेगा और इस विलेज को वापिस से ठीक कर देगा। तो वहाँ से वो बहुत दूर भाग गया और उसने जो किया वो कुछ ज़्यादा ही तगड़ा था। अब एलेक्स इस वाले डेजर्ट के अंदर रहने के बाद थोड़ा बहुत प्रो प्लेयर बन गया था, मतलब कि ना अब वो रोज हर एक ज़ॉम्बी से भिड़ने की कोशिश करता और बहुत सारे ज़ॉम्बीज को भी मार देता था और उसे अब सरवाइव करने का भी तरीका पता चल चुका था। अब वो बिल्कुल भी फटू नहीं रहा था और अब हर एक ज़ॉम्बी से भिड़ने की कोशिश करता था, हर एक क्रीपर से लड़ने की कोशिश करता था और हर रोज हर एक ज़ॉम्बी से लड़ने की ट्राई करता था। बट हाँ कभी कभी वो पिटता था और कभी कभी ज़ॉम्बीज को भी पेलता था। अगर ज़ॉम्बीज बहुत सारे होते थे तब वो थोड़ा बहुत डर जाता था और उसने इसके लिए कुछ बहुत ज़्यादा अमेजिंग सोच के रखा था, मतलब कि ना जब भी बाहर ज़ॉम्बीज के लिए लड़ने आता था तो भाई कभी कभी ज़ॉम्बीज को मार देता था बट जब बहुत सारे ज़ॉम्बीज एक साथ आते थे तब उसकी वो ऐसी की तैसी कर देते थे और इसकी वजह से एलेक्स को ये बहुत ज़्यादा बुरा लगता था और वो अपने घर के अंदर छिप जाया करता था जो कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था बट उसे छिपना पड़ता था। फिर उसने काफ़ी सारे चेंजेस अपने अंदर ला लिए थे और काफ़ी साल मेहनत करने के बाद उसने बहुत सारी इन्वेंशन की और बहुत सारी रिसर्च भी की और उसने फाइनली कुछ ऐसा बनाया जो कि कुछ ज़्यादा अमेजिंग था। और ये देखो, ओहो आज मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है और आज मैंने फाइनली बहुत ज़्यादा देर रिसर्च किया, मतलब कि काफ़ी सालों से मैं रिसर्च कर रहा था और आज मैंने फाइनली अपने लिए एक बहुत ज्यादा तगड़ी चीज बनाई है। मैंने एक हाथ बनाया है जो कि मुझे एक सुपर हीरो की तरह बना देगा और मैं अपने विलेज के लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ अभी। अभी तो मैं इसे टेस्ट करने वाला हूँ और अपने विलेज को बिल्कुल सही कर दूंगा मैं। इसके साथ अभी फटाफट से मैं बाहर चलता हूँ और इसे फटाफट से टेस्ट करता हूँ। अब मुझे बहुत ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि अपने विलेज के लिए मैं कुछ करने वाला हूँ। ओके ये सही में वर्क कर रहा है, अभी मैं सही में अपने विलेज के लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ। ओके अभी मैं एकदम तगड़ा वाला आयरन मैन बन चुका हूँ और अपने विलेज के लिए भी कुछ कर सकता हूँ बट ये सही तरीके से वर्क क्यों नहीं कर रहा। बट हाँ मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है इस पर, बट हाँ कोई बात नहीं, अगर ये वर्क नहीं करेगा तो मैं वापिस से रिसर्च करूँगा। और ये देखो यहाँ पे एक स्पाइडर है, इसे फटाफट से मैं मार के देखता हूँ और देखते हैं कि इसे मारने के बाद कोई तगड़ा पावर वगैरह है मेरे पास। ओके सही में मेरे पास बहुत ज़्यादा तगड़ी पावर आ चुकी है बट हाँ मैं अभी उड़ नहीं सकता और बहुत सारी पावर नहीं है इसके अंदर। बट हाँ मैं ट्राई करूँगा इसे थोड़ा और तगड़ा बनाने की। बट हाँ अभी ये क्या हो रहा है, ये इसको क्या हो रहा है ये बार बार, और ये क्या हो रहा है। हालांकि उसने उसके ऊपर बहुत सालों से मेहनत की थी बट वो सही तरीके से वर्क नहीं कर रहा था तो उसने वापिस से उस पर काम शुरू किया। ओके मैंने इसके ऊपर अब काफ़ी सालों से मेहनत की है, अभी मुझे देखना है कि ये वर्क करेगा या फिर नहीं। ओके अभी इसे फटाफट से बाहर जाके पहन के देखता हूँ और देखता हूँ कि अब ये लेज़र वगैरह मारेगा या फिर नहीं। ओके इसे पहनने के बाद
मुझे बहुत ज्यादा तगड़ा फील हो रहा है और अभी से फटाफट से पहन लेता हूँ और अब बन चुका हूँ मैं आयरन मैन। ओके मुझे देखना है कि अभी ये लेजर मारेगा या फिर नहीं, क्योंकि मैंने इसके ऊपर बहुत ज्यादा मेहनत की है और ये अभी एक्टिवेट भी हो चुका है। और अभी से फटाफट से टेस्ट करके देखता हूँ कि अभी ये लेजर मारेगा या फिर नहीं। ओके ये भी लेजर भी मार सकता है, जो कि कुछ ज्यादा ही तगड़ी बात लगी मुझे। अभी फटाफट से इसे थोड़ा बहुत और टेस्ट करता हूँ और फिर अपने विलेज के लिए मैं कुछ करने वाला हूँ, उन ज़ॉम्बीज की ऐसी की तैसी करने वाला हूँ। अभी फटाफट से मैं इसे थोड़ा बहुत हाँ वापिस से टेस्ट करता हूँ। ओके मैं इस वाले सुअर को मार के देखता हूँ कि ये मरा क्यों नहीं। ओके मर जा, ये बिल्कुल भी बग नहीं कर रहा। वेट शायद से वो मर गया है और ये बहुत ज्यादा तगड़ा है। और वो इसी तरीके से इसे टेस्ट करता रहा, इस वाले आयरन मैन के सूट को बार बार टेस्ट करता रहा और उसे अब ये बहुत ज्यादा तगड़ा लग रहा था और कुछ ज्यादा ही नया भी, क्योंकि उसने ये बहुत ज्यादा मुश्किल से बनाया था और अब वो अपने विलेज के लिए कुछ करना चाहता था और अपने विलेज को वापिस से हाँ पहले जैसा खुशहाल बनाना चाहता था। और उसने अब बहुत ज्यादा मेहनत भी की थी तो हाँ अभी उसकी मेहनत बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाने वाली थी और उसने इसे बहुत ज्यादा टेस्ट किया और इसके पहले मजे लिए और फिर अपने विलेज के लिए बहुत ज्यादा करने के लिए सोच लिया। अरे वाह ये तो सही में बहुत ज्यादा तगड़ा है, मतलब कि ना अभी अपने विलेज के लिए सही में बहुत ज्यादा कुछ करने वाला हूँ। अरे वाह अब तो मैं उड़ भी सकता हूँ, अभी अपने विलेज के लिए वापिस से चलता हूँ। और वो इस तरह काफी सालों के बाद अपनी विलेज के अंदर वापिस से आया और हाँ अपनी विलेज के लिए कुछ करना चाहता था तो उसने ज़ॉम्बीज की ऐसी की तैसी करनी शुरू कर दी और ज़ॉम्बीज भी उसे देखने के बाद बहुत ज़्यादा हैरान हो गए और बहुत ज़्यादा डर गए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा तगड़ा था और बहुत ज़्यादा फास्ट भी। और ज़ॉम्बीज उसे देखने के बाद सही में कुछ ज़्यादा डर गए थे और अभी तो पिक्चर बाकी थी। ओहो अभी तो ये ज़ॉम्बीज मुझसे बहुत ज़्यादा डरते हैं और अभी मैं इन ज़ॉम्बीज की ऐसी की तैसी भी कर सकता हूँ और अपनी विलेज को वापिस से पहले जैसा खुशहाल बना सकता हूँ, मतलब कि ना अभी यहाँ पे जितने भी विलेजर थे सबके सब खुश रहने वाले हैं और बहुत ज्यादा मजे करने वाले हैं और इन्हें बिल्कुल भी डरने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं वापिस आ चुका हूँ अपनी विलेज के अंदर और अब ये सब खुश होने वाले हैं। और फिर उसने उसी रात बहुत सारे ज़ॉम्बीज की ऐसी की तैसी की, बहुत सारे ब्लास्ट वगैरह किए और ज़ॉम्बीज उसे देखने के बाद बहुत ज़्यादा डर चुके थे, क्योंकि वो बिल्कुल अलग था और बहुत ज़्यादा पावरफुल भी और कुछ ज़्यादा ही स्पीड में था, मतलब कि ज़ॉम्बीज उसके सामने कुछ भी नहीं थे और वो बहुत ज़्यादा डर चुके थे, मतलब कि ना वो उसे हल्का सा भी डैमेज नहीं दे पा रहे थे और उसने अपनी काफ़ी ज़्यादा तगड़ी पावर के साथ उनकी ऐसी की तैसी कर दी। तुम्हारी ऐसी की तैसी, तेरी ऐसी की तैसी बेटा, तेरी ऐसी की तैसी मजा चखाता हूँ, तेरी ऐसी की तैसी, ये क्या कहेगी मेरा स्पाइडर बेटा, तेरी ऐसी की तैसी, मैंने इतने सालों से ऐसी थोड़ी प्रैक्टिस की है, तेरी ऐसी की तैसी। ओके अभी ये मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, अभी मैं अपनी विलेज को वापिस से खुशहाल बना दूंगा और यहाँ पे सभी के सभी लोग बहुत ज्यादा खुश रहने वाले हैं। हाँ और फिर वो अगले दिन वापिस से विलेज के अंदर गया और उसने विलेजर्स के लिए कुछ ज्यादा ही अमेजिंग चीज सोच के रखी थी। अगर मैं यहाँ से कहीं दूर चला गया तो इनकी रक्षा कौन करेगा, इसलिए मैं इनके लिए अभी यहाँ पे आयरन गोलम्स बनाने वाला हूँ। इनको नहीं पता वो क्या होते हैं, बट वो एक तरह के इनके बॉडीगार्ड होंगे और वो रात में इनकी रक्षा करेंगे। और फिर इसी तरह एलेक्स ने वहाँ पे बहुत सारे आयरन गोलम्स बनाने के लिए सोच लिया और वहाँ पे फटाफट से कुछ आयरन गोलम्स बनाने शुरू कर दिए, जो कि विलेजर्स की रक्षा करने वाले थे जब यहाँ पे एलेक्स नहीं होगा तो। और वहाँ पे फटाफट से उसने आयरन गोलम्स बना दिए और विलेजर्स देखते रह गए, वहाँ पे बहुत सारे आयरन गोलम्स आ गए और विलेजर्स अब बहुत ज़्यादा खुश होने वाले थे, क्योंकि अब वो उनके बॉडीगार्ड आ चुके थे। और फिर उसी रात वहाँ पे बहुत सारे ज़ॉम्बीज आए और हाँ आयरन गोलम्स ने ज़ॉम्बीज की ऐसी की तैसी कर दी, मतलब कि ना वहाँ पे हर एक ज़ॉम्बी को आयरन गोलम्स ने ढूंढ ढूंढ के पेला और हर एक ज़ॉम्बी को बहुत ज़्यादा मारा। और ये सब देखने के बाद विलेजर्स बहुत ज़्यादा खुश थे और एलेक्स भी, क्योंकि एलेक्स ने ये सब कुछ विलेजर्स के लिए किया था, अपने विलेज के लिए किया था और इसकी विलेज अब बहुत ज़्यादा खुश थी और ज़ॉम्बीज बहुत ज़्यादा डर चुके थे, मतलब कि ना अब वो हैरान थे कि ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ। और धीरे धीरे यहाँ पे हाँ विलेजर्स खुश होने लगे और ज़ॉम्बीज बहुत ज़्यादा ख़त्म हो गए। ओके गाइज कुछ इस तरीके से अपने एलेक्स ने यहाँ पे 99 इयर्स सर्वाइव किए आयरन मैन बन के। और गाइज अगर आप लोग आज की वीडियो पसंद है लाइक करना, चैनल पे नहीं सब्सक्राइब करना, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए बाय।
Let's go. मैं पागल था गेमर, खुद सबको हंसा दूंगा, पबजी खिला दूंगा, नाच के दिखा दूंगा, मजे करा दूंगा, नशे करा दूंगा, सबको हिला दूंगा।